वो गांव से बने हैं, महिलाएं ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जिसमें महिलाएं शामिल नहीं हुई, और घर से सुई से लेकर तलवार तक महिलाओं का योगदान रहा है। तो जब महिलाएं चांद तक जा सकती हैं, तो महिलाएं आज भी स्वतंत्र क्यों नहीं है? उनके जो सवाल थे, उनके जवाब उनको आज क्यों नहीं मिल रहे? उनके लिए हमें आज भी संघर्ष करना पड़ता है। वैसे बराबरी का दे दिया दर्जा, लेकिन वो अभी नहीं मिली है। हमें मतलब स्ट्रगल इतना अपने भेदभाव तो घर से शुरू हो जाता है। हमें सबसे पहले अपने घर से ही वो आपको स्ट्रगल शुरू होता है। तो एक लड़की पैदा होती है, सबसे पहले आज भी ऐसी रूढ़िवादी जगह है जहाँ पे लड़का लड़की में भेदभाव होता है। लेकिन आज का टाइम ऐसा आ चुका है कि भेदभाव कम होता है, लेकिन लड़की जब पैदा होती है उसको उसकी ड्रेस से क्यों हो जाता है कि तुम ये कपड़े पहनोगी, हाँ लड़का ऐसा पहनेगा, लड़के को हर चीज की स्वतंत्रता, तो उसको क्यों नहीं मिलती? तो वो लड़की जो है वो वहीं से सीखती है कि उसके साथ वो कमजोर क्यों है। तो मतलब शारीरिक और मानसिक में भी तंदुरुस्त होना भी बहुत जरूरी है। मुस्लिम से बहुत सारे काम हो जाते हैं, जरूरी नहीं कि पहलवान ही हो। वो लड़के वो भी नहीं कर सकते, महिलाएं बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी होती हैं। मतलब सब बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, लेकिन हाँ हाँ लेकिन कहीं ना कहीं अंतर रह जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूज। हाँ मैं अब समझ